बहुत स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां पर सरकार भू माफियों पर शिकंजा कसने को तैयार है, वहीं सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी की डिडई चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में एक बाग है जिसमें कांटा संख्या 25 सरकारी भूमि है। लोगों का मानना है कि सड़क किनारे सरकारी जमीन होने की वजह से इस पर भी कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि ये जमीन नेशनल हाईवे 233 से सटा होने के कारण लाखों की संपत्ति मानी जा रही है। इसी से सटा कांटा संख्या 24 है जो विवाद हो गया है। गाटा संख्या 24 में भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मिठवल डॉक्टर दशरथ चौधरी निर्माण करा रहे हैं, तभी मुहर्रम आदि ने दावा किया कि डॉक्टर दशरथ चौधरी गलत तरीके से मेरी जमीन कब्जा कर रहे हैं। गाटा संख्या 24 का बैनामा 1988 में कराया है, इसके बाद डॉक्टर दशरथ चौधरी ने गलत तरीके से इसी नंबर को दोबारा बैनामा उन लोगों से करवाया है जिसका नाम गलत तरीके से खतौनी में दर्ज भी हो गया है। 19988 में बैनामा कराने वाले ने कहा कि मेरी भूमि पर गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा है। इसी बात को लेकर मुहर्रम ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, तब पुलिस ने जाकर कब्जा रुकवा दिया और कहा कि जब तक इस जमीन की जांच नहीं हो जाती तब तक इस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। वहीं डॉक्टर दशरथ चौधरी का कहना है कि ये जमीन मैंने बैनामा कराया है और मैं कोई गलत तरीके से इस जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास सारे कागज हैं जिसकी जांच करा ली जाए, जो सही होगा उसे हम मानेंगे। किसी भी जमीन पर मैं गलत तरीके से कब्जा नहीं कर रहा हूँ। वहीं इस विवादित जमीन के बारे में उप जिलाधिकारी बांसी ने बताया कि कांटा संख्या 24 को लेकर विवाद है, कई लोगों ने बैनामा करा रखा है, सभी के बैनामे के स्टैंपों की जाँच कराई जाएगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तब तक के लिए इस विवादित जमीन पर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। सिद्धार्थ नगर से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। मेरी जमीन है, बाग है, 24 नंबर का है और 29 नंबर है और 1988 का बैनामा है। उसमें केशव प्रसाद वगैरह, राम मिलन पाठक वगैरह फर्जी ढंग से खतौनी में आ गए। उसके बाद दशरथ चौधरी उस पर अवैध ढंग से कब्जा कर रहे हैं। आपका बैनामा कब का है, दशरथ चौधरी का बैनामा कब का है? हमारा 1988 का है, दशरथ चौधरी का तो एक कागज देखे हैं, उसमें उनका 2009 का है शायद। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल है, उनका फर्जी है क्या? मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास सब पेपर है। अच्छा, पेपर कागज है, बैनामा का वो स्टाम्प है, सब चीज है, कागजात पूरा है। हमारी जमीन है तो हमारा 88 का बैनामा है, 1988 का, इनका 2009 का है उनका। ये किससे बैनामा लिया था? एक मतलब केशव प्रसाद, राम मिलन पाठक और उनके वरासत में जितने लोग आए थे उनसे लिए। उनका उस घाटे में कुछ नहीं है, वो तो पहले बैनामा लुक चुके हैं। श्यामलला रामलला शाह खातेदार थे, वो भी अपना बैनामा लालपति किशोरा देवी सूरजमुखी को बैनामा करते हैं, उनसे हम 1988 में लिए। मेरी डिड़ई में जो गाटा नंबर 24 और 29 के बारे में है और मुख्य रूप से गाटा संख्या 24 के बारे में विवाद है, तो उसमें कई बैनामेदार हैं, तो अभी ये क्लियर नहीं है कि किसने कितना रकबा लिया है। अगर जो अलग अलग बैनामे हैं उनका परीक्षण करने के बाद हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और जो उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उस कार को रुकवा दिया गया है ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो।